हाय, दिस इज आशीष। यू आर वाचिंग टीचटूईच। चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। तो आज के इस टॉपिक में मैं आपको सिखाऊंगा एक्सेल के इफ एंड और इन तीनों फॉर्मूलों को एक साथ यूज करना। देखिए, बहुत ही कम कंडीशन ऐसी होती है कि जहां पे आपको ये तीनों फॉर्मूले यूज करने पड़ते हैं, लेकिन मैंने एक ऐसी कंडीशन बनाई है जिससे आपको पता चले कि इन तीनों कंडीशन का जो यूज हम वो एक साथ कैसे कर सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, यहाँ पे एक डेटा देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने कुछ इंप्लॉयज के नाम लिख रखे हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तीन मंथ लिखे हैं, और इन तीन मंथ में उन्होंने कितना कितना टारगेट अचीव किया है। ओके, इनका जो टारगेट था वो तीनों मंथ के लिए 7000 का था, सिंगल सिंगल। तो अक्टूबर में इन्होंने इतना अचीव करा, नवंबर में इन्होंने इतना अचीव करा, दिसंबर में इन्होंने इतना अचीव करा। अब बात आती है इंसेंटिव की। तो कंपनी क्या कहती है, देखिए यहाँ पे लिखा है इंसेंटिव विल बी गिवन टू ओनली दोज एम्प्लॉयज, कि इंसेंटिव सिर्फ उन्हीं इंप्लॉयज को दिया जाएगा हु हैव अचीव टारगेट इन दिसंबर मंथ, जिन्होंने दिसंबर मंथ में टारगेट अचीव किया है, एज वेल एज आइदर इन नवंबर और अक्टूबर। यानी कि जिन्होंने दिसंबर में अचीव किया है उसके साथ साथ उन्होंने या तो अक्टूबर में भी अचीव करा हो या नवंबर में, मतलब अक्टूबर और नवंबर में से एक, और दिसंबर में तो टारगेट अचीव होना जरूरी है। फिर दिखते हैं अदरवाइज नॉट, यानी कि अगर ऐसा नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं होंगे इंसेंटिव लेने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे हम तीन फॉर्मूले यूज करेंगे, इफ और एंड, ये तीनों हम यहाँ पे यूज करेंगे। इफ का यूज करेंगे हम स्टेटमेंट देने के लिए कि अगर हमारा जो लॉजिक है वो ट्रू है तो इंसेंटिव के लिए वो एलिजिबल है, अदरवाइज नहीं है। उसके बाद हम एंड ऑपरेटर यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए, हमारी दो कंडीशन है और वो दोनों फुलफिल होनी चाहिए, यानी कि एक तो दिसंबर मंथ में उसने टारगेट अचीव करा हो और दूसरा अक्टूबर या नवंबर में से एक में करा हो। तो देखिए, दिसंबर एक और अक्टूबर नवंबर एक, ये दोनों अलग अलग हो गए, तो एंड ऑपरेटर यहाँ पे यूज होगा कि जिससे हमारी दोनों लॉजिक फुलफिल हो। तीसरी कंडीशन ये है कि जो दिसंबर है वो तो अलग है, लेकिन अक्टूबर नवंबर में हमें जो चेक करना है उन दोनों में से एक, वो भी तो हमें चेक करना है, तो उन दोनों में से एक लॉजिक अगर ओके है तो भी आंसर सही होना चाहिए, तो उसके लिए हमारा और ऑपरेटर आएगा। ओके, इफ हमारे स्टेटमेंट के लिए, स्टेटस देने के लिए, एंड अपनी दो लॉजिक को चेक करने के लिए, और दोनों में से एक चेक करने के लिए। तो देखिए, फॉर्मूला हम किस तरीके से करेंगे, हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसके बाद मर्ज कर देंगे। तो सबसे पहले मैं पहली कंडीशन हम चेक कर लेते हैं कि क्या दिसंबर में इन्होंने टारगेट अचीव किया है, इक्वल टू इफ। तो मैं 8732 वाला यूज कर लेता हूं, दिसंबर के नीचे वाला। इफ E3 इक्वल टू ग्रेटर देन 7000, देखिए हमारा जो टारगेट लिखा है वो 7000 है, अगर E3 7000 के बराबर या उससे ज्यादा होता है तो कॉमा, ये हमारा लॉजिकल टेस्ट हो गया। अगर ये ट्रू है, वैल्यू ऑफ ट्रू, तो डबल कोट में हम देंगे एलिजिबल फॉर इंसेंटिव। अगर 7000 से ज्यादा हुआ या 7000 हुआ तो वो एलिजिबल है, अदरवाइज नहीं है, नो इंसेंटिव। ओके, इसे भी डबल कोट में लिख के हम बंद कर देंगे और एंटर। इसे नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। अब देखिए, जहां जहां पे ये 7000 से ज्यादा है वहां पे आ रहा है एलिजिबल फॉर इंसेंटिव, जहां पे 7000 से कम है वहां पे लिखा आ रहा है नो इंसेंटिव। ओके, अब मैं तीसरे पार्ट में पहले आता हूं, फिर बीच वाले पार्ट को हम देखेंगे। हमें ये भी चेक करना है कि नवंबर या अक्टूबर में से एक में भी अगर उसने टारगेट अचीव किया हो तो भी वो एलिजिबल हो इंसेंटिव के लिए। तो उसके लिए हम और यूज करेंगे, और करेंगे इफ। ओके, तो यहां पे कर लेते हैं इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट ओपन लॉजिक वन ये है कि अक्टूबर में इक्वल टू ग्रेटर देन 7000 हो, कॉमा लॉजिक टू, अगर अक्टूबर में नहीं है तो नवंबर में हो, तो नवंबर सेलेक्ट कर लेते हैं और इक्वल टू ग्रेटर देन 7000 दे देते हैं और ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ओके, कॉमा, इसमें भी सेम आ जाएगा कि अगर ये ट्रू होती है तो एलिजिबल फॉर
इंसेंटिव, अदरवाइज नो इंसेंटिव. ब्रैकेट बंद और एंटर. नो इंसेंटिव और सिंचिलेक ड्रैग कर देते हैं. तो देखिए अक्टूबर या नवंबर यहां पे दोनों ही जगह उसने 7000 से ज्यादा टारगेट अचीव नहीं कराया तो नो इंसेंटिव. यहां पे देखिए 9000, यहां पे 5000, यानी कि अक्टूबर में उसने अचीव कर लिया है तो इसलिए हमारा एलिजिबल फॉर इंसेंटिव. और यहां पे इसने नवंबर में किया है लेकिन अक्टूबर में नहीं किया है तो फिर भी एलिजिबल फॉर इंसेंटिव, यानी कि दोनों में से कोई भी एक में उसने अगर अचीव करा है तो एलिजिबल है इंसेंटिव के लिए. अब हम इस फॉर्मूले को पहले वाले फॉर्मूले में डालेंगे कैसे. देखिए वो हम पे ये आ गया है कि किस किस ने दिसंबर में अचीव करा है और किस किस ने अक्टूबर या नवंबर में से एक मंथ में करा है. पर अब हमें दोनों कंडीशन देखनी है, यानी कि देखिए ये एलिजिबल फॉर इंसेंटिव और ये नो इंसेंटिव है, इसका मतलब यहां पे से इंसेंटिव नहीं मिलना चाहिए. और ये एलिजिबल फॉर इंसेंटिव है और ये भी एलिजिबल फॉर इंसेंटिव है, यहां पे से मिलना चाहिए क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है. तो देखिए हम इसे कैसे करेंगे, आप यहां पे जाएं और सिर्फ और वाली कंडीशन ले ले, ठीक है. ये सब मैं छोड़ने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इफ जो है हमने पहले ही ऑलरेडी लगा रखा है इस वाले फॉर्मूले में और जो एक कमेंट हमने दिया है कि जो हमने एलिजिबल फॉर इंसेंटिव नो इंसेंटिव लिखा है वो भी हम ऑलरेडी वहां पे लिख चुके हैं. हम यहां पे आएंगे F2 प्रेस करेंगे, इफ के बाद हम यहां यूज करेंगे एंड ऑपरेटर. ओके देखिए एक एंड हमारा ये हो गया. देखिए एंड के अंदर हम दो लॉजिक देखें, एक लॉजिक हमने लिखा हुआ है, दूसरे लॉजिक को हम कॉमा करेंगे और पेस्ट कर देंगे जो हमने पीछे से कॉपी करा था फॉर्मूला. यहां पे हमने कर दिया और सी टू ग्रेटर देन इक्वल टू 7000 और कॉमा डी थ्रू इक्वल टू 7000. अब देखिए ये क्या करेगा, ये चेक करेगा इफ के बाद एंड कंडीशन पे. अब एंड कंडीशन में हमने दो कंडीशन दी है कि या तो हमने एंड में दो कंडीशन दिए हैं जिन दोनों कंडीशनों को फुलफिल होना जरूरी है. पहली कि उसने दिसंबर में 7000 से ज्यादा अचीव करा हो, दूसरी या उसने अक्टूबर या नवंबर में से एक मंथ में 7000 से ज्यादा अचीव करा हो. एंड में ये दोनों होंगी लेकिन और में जो ये फॉर्मूला लगा है और में इन दोनों में से सिर्फ एक जगह भी अगर उसने 7000 से ज्यादा अचीव करा है तो भी उसे हम ट्रू मानेंगे. और अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तो कमेंट आ जाए एलिजिबल फॉर इंसेंटिव. अगर ऐसा नहीं है, दोनों में से एक भी लॉजिक गलत होता है तो नो इंसेंटिव. ओके मैं एंटर मारता हूं और देखते हैं कैसा काम करता है. मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूं और इस वाले को हम हटा देते हैं. देखिए इसने लिखा है नो इंसेंटिव, दिसंबर में इसने अचीव करा है और अक्टूबर और नवंबर में से किसी भी मंथ इसने अचीव नहीं करा है. दिसंबर में इसने यहां अचीव करा है लेकिन अक्टूबर और नवंबर में से भी एक जगह अचीव करा है, इसलिए आंसर आ गया है. अब मान लीजिए इसने यहां पे अचीव करा है और यहां पे नहीं करा है मगर यहां पे करा है, इसको अगर मैं 5000 कर दूं तो ये नो इंसेंटिव हो जाएगा. ओके क्योंकि जब उसने इन दोनों में से एक जगह कर लिया है लेकिन दिसंबर में नहीं करा है तो भी वो हमारी नॉन इंसेंटिव वाली कैटेगरी में ही आता है. तो देखिए इस तरीके से आप इन तीनों फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं एक साथ एक ही कंडीशन में. अगर आपको ये फाइल चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस करें. और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें. और नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का भी.